नान में मोटे तौर पर ये साबित हुआ, क्योंकि आरोपी को भी बुलाया गया, आरोपी के भी पुलिस ने बयान दिए, आरोपी ने जो बयान दिए उसमें आरोपी ने जो वो अपना रिकॉर्डिंग भी बताई कि क्या रिकॉर्डिंग है, सहमति थी या नहीं थी, इसकी रिकॉर्डिंग बताई और उसके साथ में साथ साथ एक और साक्ष्य भी बताई है पुलिस को उसने कि जिससे मोटे तौर पर ये लगता है कि वो सहमति का मामला था। उसी के पास, उसी रविंद्र शेखावत के पास उसके हस्बैंड का एटीएम कार्ड, उसका खुद का एटीएम कार्ड, ये चार साल तक कैसे रहा, क्यों दिया गया उसको एटीएम कार्ड वो, और परिवार ये कहती है कि इसने लाखों रुपए उसमें से निकाला, क्यों निकलने दिया, उसकी क्यों नहीं इतला करी, इन सब बातों को देखते हुए पुलिस जो इन्वेस्टिगेशन जो पहुंची है निश्चित तौर पर इसमें एक गलती भी मान के चलता तो वो बार बार थाने पे आए, थाने पे आई और उसको जो है उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। इसीलिए हमने जो है इस मामले को सीआईडी सीबी में किया है और सीआईडी सीबी से कहा गया है कि एडिशनल मिनिमम एडिशनल एसपी के स्तर का व्यक्ति जो है इसकी जांच करे।